नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम गोरखपुर के टाउन हॉल पे। अभी कुछ देर पहले चेत्रा तिराहे से एक मौन जुलूस कैंडल लाइट के साथ यहां पर आए हैं और बीजेपी की महिला मोर्चा ने कैंडल लाइट और मौन जुलूस निकाला है। डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो विगत दिनों वेस्ट बंगाल के अंदर घटना घटी है, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उसकी जगन हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये फाइंडिंग्स निकल के आई है कि उसके शरीर पर 150 से ज्यादा चोट के निशान है। तो सीधा सीधा इल्जाम ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। उसी की जस्टिस के मांग के लिए यहाँ पर महिला मोर्चा ने मार्च निकाला है, प्रोटेस्ट किया है। आइए समझते हैं क्या इनकी डिमांड है, क्या आपकी मांग है। हमारी मांग यही है कि जो एक महिला डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल की जो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में किस तरह की जो मार्मिक घटना हुई है, बहुत ही दुखद और जितना भी भूर भूर निंदा किया जाए बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। और ये आए दिन होता रहता है, आप लोग जानते होंगे कि उनके राज्य में आए दिन ये घटना घटती है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से और अपने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के मातृशक्ति की तरफ से और वहाँ के पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि अब भी नारी जागे और अपने देश में एक आह्वान जगा करके ये साबित कर दे कि महिलाएं कमजोर नहीं है। क्योंकि ये सब जो कार्यक्रम जो कर दिया जाता है, जो घटना करवा दिया जाता है, इससे महिलाओं को कमजोर दहशत फैलाने का काम ये आपकी ममता बनर्जी जी करती हैं। आज आप ही देखें, आज कांग्रेस पार्टी भी यहाँ आ करके उनका विरोध किया है, क्योंकि ये गलत है। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सदन में एक हो जाते हैं और सड़क पे दिखाते हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये भी उनके साथ मिले हो तभी उनकी इतनी हिम्मत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से उनका विरोध किया है, उनको सवालिया निशान में खड़ा किया है। आज की जो रिसेंट समाचार है, सवालिया निशान पे केवल वो बहस के लिए खड़ा किए, एक सवाल के लिए, लेकिन वो लोग एक साथ है मिले हुए। आपको मालूम है कि अभी सारा दल एक हुआ था। चोर 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 मौसेरे भाई, हमेशा ये लोग नकारात्मक काम करने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन वो पब्लिक को दिखाने के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मनसा नहीं। आज उन्हीं के सहयोग से ममता बनर्जी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि वो अपने देश में, जहां हम लोग भी बंगाल चुनाव में गए थे भाई साहब, और वहां पे उनके हर मंडल में उनका एक हब बना हुआ है, उनका पूरा गुंडागर्दी चरम सीमा पे है उनकी। इतना आक्रोश बीजेपी के अंदर नहीं, आखिर क्यों आ गया, कहां से आ गया? मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। उससे एक दर्द, एक पीड़ा है कि माँ बाप मणिपुर की घटना पर ये पीड़ा नहीं थी क्या उस वक्त? पत्नी, माँ, ये सब नहीं था क्या? नहीं, नहीं, बीजेपी हमेशा करी रही है मणिपुर में, तो कभी नहीं। अभी 2019 में जब हम मणिपुर की बात की, आज हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से रहती, मणिपुर की बात की नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में घटना हुई है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी 2019 से लेकर के 2024 तक, उसी के बीच में ये घटना हुई है। उस वक्त ये पीड़ा कहाँ थी? उस समय भी हम लोग की पीड़ा थी। उस समय कोई कैंडल मार्च तो निकला नहीं? नहीं, कैंडल मार्च निकाले थे हम लोग उस समय भी किए, इस्तीफा मांगे थे, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा गया। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं है क्या? अब मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं है। जिस पीड़ा की आज आप बात कर रही हैं, वो पीड़ा उस दिन कहाँ थी? उस दिन भी मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगा गया था। हम लोग किस मुख्यमंत्री थे, इसी चेतना चौराहे पे आक्रोश जताया गया। किस मुख्यमंत्री से? मणिपुर की जो घटना हुई थी, इसी चेतना चौराहे पे आक्रोश जताया गया था और उस दिन भी इस्तीफा मांगा गया था। जो भी ये घटना है, जिस भी जगह हो रहा है, जिस जहाँ पे भी हो रहा है, हर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाओ। मातृशक्ति की जो रक्षा मुख्यमंत्री कर नहीं सकते। एक महीने तक लगातार वहाँ इस तरह का वायलेंस हुआ है, आपने एक दिन किया, आज एक डॉक्टर का मामला है, और चूंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो इतना लंबा एजिटेशन। जी ये बात सही है, आज डॉक्टर के साथ है, उनकी इतनी मनगढ़ंत जो उनकी बनी हुई है, वो षड्यंत्र ममता बनर्जी जो षड्यंत्र अपनी राज अपनी जो बना रही है, वो इतनी षड्यंत्र रची है, कुछ भी कर सकती है, महिलाओं को गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है। मणिपुर में नहीं था ऐसा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को ही नीचे से ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है
कि जो एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री होकर के उनको महिलाओं को ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और ऐसा नहीं, अगर जो आज कांग्रेस पार्टी कैंडल मार्च निकाले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी विरोधी पार्टी भी हमारे साथ में है इस घटना में, समझ रहे हैं। और इसके बावजूद भी कोई भी घटना हुआ हो, हमारी सरकार उसकी छानबीन की है और छानबीन कर रही है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन उसमें जो कल्प्रिट आया है जिसका नाम आ रहा है वो तो बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बताया जा रहा है। नहीं नहीं, ये सब गलत चीज है, ये सब एक विपक्ष पार्टी को मुद्दा उठाने वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं, हर तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हर घटना पे उसकी नजर रहती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। क्या चाहते हैं आप नटशेल में गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से और वेस्ट बंगाल सरकार से, क्या मांग करते हैं? हम सीधे फांसी चाहते हैं। किससे? इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में अभी व्यापारी और बहनों के साथ जिस तरह से कानून बना है, हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, मैं उसी तरह का कानून हर राज्य में चाहते हैं कि महिलाओं के साथ हमेशा न्याय हो। ये मांग किससे है आपकी? मांग किससे है? किस गवर्नमेंट से आप मांग कर रही है फांसी? मैं ममता बनर्जी को बोल रही थी इस्तीफा दे या तो फिर वो न्याय दे, फांसी दे, अपराधियों को फांसी दे। वो स्टेट गवर्नमेंट से आप मांग करती हैं, वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट से मांग करती है। तो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट न्याय दे और ममता बनर्जी को स्टेप बैक होना चाहिए, वो अपने पद से इस्तीफा दे और इस्तीफा दे कर करके या तो वो इस्तीफा दें या जो भी कल्प्रिट है उसको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल कराएं, ट्रायल कराने के बाद उसको जो है फांसी की सजा दिलाएं। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। आपका क्या कहना है मातृशक्ति के ऊपर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए कवरिंग करने के लिए। पश्चिम बंगाल राज्य जो है एक ऐसा उदाहरण बन गया है जहाँ पे समय समय पे कुछ ना कुछ एक विवश घटना होती रहती है। इससे पहले भी आप जो है 12 साल की घटना ले लीजिए, इससे पहले आप संदेश खाली की घटना ले लीजिए, और अब जो है आरजी कल जो हॉस्पिटल है वहां की घटना ले लीजिए। ट्रेनी महिला जो डॉक्टर थी उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, ये एक कहीं ना कहीं समाज को एक गलत दिशा, गलत परिभाषा को परिभाषित करता है। वो जो हॉस्पिटल है कोलकाता के, बहुत बड़ा रेपुटेड हॉस्पिटल है आरजी कल, लेकिन वहां पे सुरक्षा का जो चाक चौबंद लगना चाहिए वो नहीं था। किस आधार पे वो बाहरी व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर घुस गया? मैं उस विक्टिम का भी नाम जानती हूँ जो कि वहाँ कलकत्ता पुलिस का सहकर्मी था, और ममता बनर्जी सरकार ने लीपापोती की स्टार्टिंग के 24 घंटे जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया कि जांच में वो सहयोग नहीं कर रही है, तब जाकर के सीबीआई को वहाँ एंट्री मिली। जांच में तो हर जगह किसी भी स्टेट का मामला अगर कोई घटना होती है तो टाइम लगता है। नहीं नहीं, मैं विशेष कर पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, विशेषकर यूपी की बात करते हैं। अगर लखीमपुर की बात करें या हाथरस की बात करें तो एक लंबा टाइम लग गया था ट्रायल में, और लंबा टाइम लग गया और उसके लंबे टाइम के बाद निर्णय लिया गया। मैं ट्रायल के लिए तो टाइम, मैं प्रोसीजर की बात कर रही हूँ कि कोई भी मामला होता है तो न्यायालय में जाता है, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले 24 घंटे का जो जांच होता है उस जांच प्रक्रिया में कम से कम राज्य सरकार सहयोग देती है, तो यहाँ ममता बनर्जी सरकार सहयोग नहीं दे रही थी। यूपी के अंदर बात में क्या स्टेट गवर्नमेंट ने सहयोग किया था? बिल्कुल किया था, तुरंत तत्काल जो है 8 महीने के बाद सस्पेंड। मैंने पहले भी कहा था आपको एक बाइट में कि प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, और जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में जो का नाम है ममता बनर्जी है, उनको तो न्याय करना चाहिए, उनको फांसी दे देना चाहिए और नहीं तो उनका इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ वहाँ पे बहुत गलत हुआ। यहाँ पे सीधे सीधे इनकी मांग, लोगों की मांग है कि ममता बनर्जी को स्टेप डाउन होना चाहिए और उनको जो है जो भी कल्प्रिट है उसको फांसी दे देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस मामले में? पहले तो मैं ममता जी से ये कहना चाहूंगी कि वो उनके प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं, ये बहुत ही हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि देश सर्वसार हो ये हमको बर्दाश्त नहीं है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी की बहन बेटी बहू के साथ इस तरह की जघन्य घटनाएं हो। इसलिए मैं ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग करती हूँ। मणिपुर में जब घटना हुई तब कहाँ ये आक्रोश था? आक्रोश तब भी था, ऐसी बात नहीं है, मणिपुर में भी जानो इंसाफ मिला है। आपको क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी सरकार इंसाफ कर रही है? कभी भी लग रहा है इंसाफ? यूपी के अंदर हाथरस में घटना होती है,
ढाई साल के बाद सेंगर को प्राथमिक सदस्य से हटाया जाता है, इंसाफ तो मिल ही रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सत्य है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका ऑफिशियल फाइंडिंग्स है। हमारी सरकार तत्काल निर्णय लेती है। और बाबा ढाई महीने लगे थे सेंगर को, खुद बताएं, मुझे नहीं सुनना है क्योंकि गलत क्वेश्चन मुझे सुनना। देखिए, यहाँ पर तथ्य को नकारने के लिए एकदम तैयार है, तथ्य के साथ जाने के लिए नहीं तैयार है, जो जग जाहिर तथ्य है उसको भी समझने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही डिमांड है कि ममता बनर्जी को स्टेप डाउन होना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करा करके उसको फांसी देना चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ईएन डेली के लिए।